हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है उसके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। 18 दिसंबर लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, और ये एग्ज़ाम आपका टीयर वन टीयर टू में डिवाइडेड किया गया है। तो टीयर वन जो एग्ज़ाम होगा इसका, वो 4 मार्च से 26 मार्च तक होगा। मतलब ये डेट है, टेंटेटिव डेट अभी इसको बताया जा रहा है कि 4 मार्च से एग्ज़ाम शुरू करके 26 मार्च तक एग्ज़ाम होगा। ये सब आपको पता ही होगा। मैं यहाँ पे चर्चा क्या करने वाला हूँ कि आपको भी देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से वीडियोस भी नहीं आ रहे थे चैनल पे। उसके पीछे का रीज़न क्या था कि अभी हमारी जो वेबसाइट लॉन्च हुई है उसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन का काम बाकी रह गया था, तो वही अभी चल रहा था, मुझे ही करना था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी था। उस पर भी कम पोस्ट आ रहे थे। और यहाँ पे अभी मैं देख रहा था, कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम को लेकर के। रिमाइंडर दिया हुआ है कि इस पर भी वीडियो बनाइए, हमको ये क्रैक करना है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपसे भी थोड़ा सा फीडबैक लिया जाए कि आपको क्या चाहिए। और यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से डिसाइड किया है कि आपको एसएससी सीएचएसएल पे मैं वीडियोज़ दूंगा। तो यहाँ पे जो वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको, अभी टेक्निकली देखा जाए तो 3 महीने से कम का समय रह गया है। यहाँ पे मैथ्स के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। हालाँकि स्टडी स्मार्ट एसएससी वाले चैनल पर आपको मैथ्स के वीडियोज़ मिलेंगे, वो जो 3 हमारे मेन कह लीजिए टॉपिक्स हैं, मैथ्स के, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, वो तो मैंने दे ही रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी भी और मैं दूंगा, और इस पर जो स्पेशलाइज्ड जो क्वेश्चंस हैं सीएचएसएल के, वो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। बाकी उसके बाद इंग्लिश के भी वीडियोज़ मैं दूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं पेपर्स में। ज़्यादातर इसमें संभावना वही होती जो आप प्रीवियस ईयर का पेपर अगर लगा लीजिए तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है। फिर रहती है बात जीएस की या फिर जीके कह लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, और प्री का जो एग्ज़ाम होता है कहीं ना कहीं इस पोर्शन में कम करने की वजह से ही कुछ लोगों का अटकता है। फिर और आखिरी बात आती है रीजनिंग की, जिसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो इस पर मैं आपको वीडियोज़ बनाऊंगा। कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कैलेंडर वगैरह के टॉपिक्स हो गए, क्लॉक वगैरह के टॉपिक्स होते हैं, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उस पर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। जो कहते हैं फिगर काउंट करना, वो सब भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो ये सारी वीडियोज़ मैं अपनी तरफ से देने का प्रयास करूँगा इन 3 महीनों के दौरान। मैं मुझे भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आप मेरा साथ देते रहेंगे इसी तरह जैसे अभी तक दिया है। और इसके साथ साथ सिर्फ वीडियोज़ के फॉर्म में आपको सारा मटेरियल नहीं मिलेगा, ये सारा मटेरियल मैं आपको कंटेंट के रूप में भी दूंगा। कंटेंट का मतलब टेक्स्ट के रूप में प्रोवाइड करूँगा। कहाँ पर प्रोवाइड करूँगा? वेबसाइट पर। जी हाँ, आपकी वेबसाइट है, आपको पता ही होगा, लॉन्च हुई है studysmart.guru। आपने अभी नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं studysmart.guru। अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं उस पे, लेकिन अब धीरे धीरे उस पे कंटेंट बढ़ेगा, और आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को लेकर के वहां पे हर तरह का कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो, चाहे इंग्लिश के क्वेश्चन हो, चाहे जीएसजीके के क्वेश्चन हो। क्विज के फॉर्मेट भी होगा, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में भी होगा, जिससे आप दोनों तरीके से अपने आप को इवेल्युएट कर पाए। तो आप भी वेबसाइट पर जाकर के देखते रहिएगा, जिससे आपको रोज के रोज वहां पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि आपको किस सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिससे मैं इस वीडियो की शुरुआत वहीं से कर सकूं, उसी सेक्शन से, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा। जहाँ तक रहती है बात आईबीपीएस क्लर्क मेंस की, वो भी एग्ज़ाम अभी रह जाता है, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उस पर भी मैं वीडियोज़ आपको डालता रहूँगा, जिससे आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो छूटेगा। कि ऐसा नहीं है कि प्री हो गया, मेंस के लिए वीडियोस आपको नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अब आपको सारे वीडियोस यहाँ पे मैं देने का प्रयास करूँगा लगातार, जिससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छी से अच्छी हो सके। बीच बीच में फीडबैक भी लेता रहूँगा कि क्या आपको टॉपिक चाहिए और क्या यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह सिर्फ ना वीडियो दे करके बल्कि कंटेंट भी दे करके मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। और अभी जो हमारी स्टडी स्मार्ट की एप्लीकेशन है उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। थोड़े दिनों में मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उसको लॉन्च करूँगा, फिर से अपडेट करूँगा, तो मैं आपको अवगत कराऊँगा क्या होगी अपडेट। अब जो मोबाइल एप्लीकेशन मैं लॉन्च करूँगा उसमें बहुत ज़्यादा आपसे जो फीडबैक मिला उसी को लेकर के मैंने उसमें मॉडिफिकेशन किया हुआ है, जिससे आपकी जो पढ़ाई होगी और ज़्यादा आसान हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से थोड़ा बहुत मेरा टाइम जा रहा था, वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब प्रयास रहेगा मेरा कि आपको दिन में 2 से 3 वीडियोस मैं प्रोवाइड करूं, आपके हर एक एग्ज़ाम को यहां पे कवर कर सकूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अभी भी कोई अगर क्वेश्चन हो, पूछना हो, कुछ डाउट रह रहा हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।